सीएनजी स्टेशंस को गैस सप्लाई 24 घंटे के लिए मुअत्तल रहेगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सनअतों को भी गैस की सप्लाई 24 घंटे मुअत्तल रहेगी। एंग्रो प्लांट की मरम्मत के बायस आरएलएनजी की वाफर सप्लाई दस्तयाब नहीं। वन व्हीलिंग एक और जान निकल गई। स्कीम मोड के इलाके में वन व्हीलिंग करती मोटरसाइकिल दूसरी मोटरसाइकिल से जा टकराई। हादसे में खातून जान बहक और बेटा जख्मी हो गया। जख्मी को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार साजिद इर्तजा को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद पेशी पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान को आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। नैब टीम ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के जिस्मानी रिमांड की सदा करेगी। वादा माफ गवाह कैसर अमीन बट अब रिहाई के लिए बेताब। अदालत में दरखास्त दायर समाअत आज होगी। सोसाइटी में करप्शन का तमाम अहवाल नैब टीम को बता चुका हूँ। यकीन दिलाता हूँ कहीं फरार नहीं होऊंगा। कैसर अमीन बट का दरखास्त में मौक़िफ। पैरागॉन सोसाइटी में ख्वाजा बरादरान के नाम 40 कनाल अराजी मौजूद है। करप्शन की रकम और दस्तावेजात की बरामदगी के लिए गिरफ्तारी जरूरी थी। साद रफीक ने अहलिया भाई नदीम जिया और कैसर अमीन बट से मिलकर एयर एवेन्यू सोसाइटी बनाई। बाद में एयर एवेन्यू का नाम तब्दील करके पैरागॉन सिटी रख लिया गया। ख्वाजा बरादरान ने साथियों से मिलकर आवाम को धोखा दिया और रकम बटोरी। ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी पर नायब तर्जुमान का एलामिया जारी। अदालती फैसले से मुल्जिमान के खिलाफ माकूल शवाहिद पेश करने की तस्दीक हुई। तर्जुमान नायब। चेयरमैन नैब ने ख्वाजा बरादरान की तफ्तीश तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तफ्तीश मेरिट पर होती है। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के मुकदमात की तफ्तीश करने वाली टीम अपना काम जारी रखे। चेयरमैन नैब। एलडीए क्वाइस के मुताबिक भी पैरागॉन सोसाइटी गैर कानूनी निकली। नोटिसेस के बावजूद पैरागॉन सोसाइटी ने तमाम क्वाइस एलडीए को जमा न करवाए। साबिक डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग ने स्कीम को गैर कानूनी करार देने के लिए मुरासला लिखा था। सियासी दबाव के बायस एलडीए 4 साल में पैरागॉन के खिलाफ कोई ऑपरेशन न कर सकी। पंजाब में अपोजिशन रहनुमा हमजा शहबाज को कतर जाते हुए ऑफलोड कर दिया गया। हमजा शहबाज कतर एयरवेज की परवाज नंबर 620 के जरिए दोहा जा रहे थे। हमजा का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल होने पर रोका गया। हमजा शहबाज कहते हैं भाई से मिलने लंदन जा रहा था, नैब की इंक्वायरी में मतलूब नहीं। अता तारड़ के मुताबिक हमजा को ऑफलोड नहीं, इमिग्रेशन काउंटर से वापस भेजा गया। रमजान शुगर मिल्स केस की तहकीकात तेज। डीसी चुनियोट समेत 8 जिलाई इदारों के अहलकार नैब में पेश। सरकारी खजाने के इस्तेमाल से शुगर मिल्स नाले की तामीर के हवाले से दस्तावेजात जमा करा दी। डीसी चुनियोट ने सरकारी फंड से मुतालिक नैब की तफ्तीशी टीम को अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के हवाले से नैब का शिकंजा कसने लगा। नैब ने मरियम औरंगजेब के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ को गैर मुल्की तहाइफ मिलने का इंकशाफ। 3 तहाइफ शहबाज शरीफ ने अपने घर मुंतकिल किए। शहबाज शरीफ ने भारतीय हाई कमिश्नर की तरफ से मिलने वाला चांदी का बर्तन अपने घर मुंतकिल किया। चीन से मिलने वाली स्कूप के कपड़े पर बनी घड़ी भी अपने पास रख ली। आजरबाईजान के वजीर की तरफ से मिलने वाला कालीन भी अपने पास रखा। साबिक वजीर आला ने तमाम तहाइफ सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाए। पंजाब असेंबली में रिपोर्ट।
PT 168 के जिमनी इलेक्शन का मार्का, इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म, बल्ला चलेगा या शेर धाड़ेगा, फैसला कल होगा। PTI के मलिक असद खोखर और नून लीग के राना खालिद कादरी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इंतखाब में लीगी मतवालों को जयालों की हिमायत हासिल, बल्ला भी शेर और तीर को धोबी पटका लगाने को तैयार। 1,26,912 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। कूड़ा टैक्स पर अराकीने पंजाब असम्बली के दिलचस्प तबसरे, अपोजिशन अरकान की कूड़ा टैक्स की मुखालफत। ख्वाजा इमरान नजीर बोले, टैक्सों के पैकेज को तब्दील टैक्स के नाम से याद रखा जाए। हसन मुर्तजा बोले, हुकूमत आवाम को टैक्सों के बोझ तले मार देगी। खलील ताहिर सिंधु की भी तंज, कहा हुकूमत गुनाह टैक्स कूड़ा टैक्स के बाद पैदल टैक्स भी लगा दे। हुकूमत अराकीन की टैक्स लगाने की भरपूर हिमायत। डॉक्टर यासमीन राशिद कहती हैं, ना सिर्फ कूड़ा टैक्स लगाया जाए साथ साथ कूड़ा फेंकने वालों को जुर्माना भी किया जाए। मिसेस शमीम आफ्ताब बोली, टैक्स से आवाम में सफाई के हवाले से शऊर आएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मुबैना करप्शन का मामला, यूनिवर्सिटी मुलाजिम ने डेप्टी रजिस्ट्रार आबिद उमर के खिलाफ दरखास्त दे दी। एंटी करप्शन ने इंक्वायरी शुरू कर दी। कब्जा माफिया ने छोटा सिंह मोटा सिंह को भी ना छोड़ा, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर ने नैब को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बोर्ड अफसरान पर वारिस रोड छोटा सिंह और मोटा सिंह में सरकारी अराजी पर कब्जा करवाने का इल्जाम। करप्ट माफिया को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आवाम के जायज काम में किसी को रुकावट डालने नहीं दूंगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से मुख्तलिफ शहरों से आए लोगों की मुलाकातें। पानी को महफूज बनाने के लिए अदालती अहकाम पर अमल दरामद, जौहर टाउन में पहले सर्विस स्टेशन पर पानी रिसाइकल प्लांट नस्ब, औसतन 80 लीटर पानी में से 60 लीटर पानी को काबिले इस्तेमाल बनाया जाएगा। कभी हाँ कभी ना, पंजाब में हर किस्म के तकरार तबादले पर पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी, किसी भी महकमे में तबादला इंतहाई जरूरी हो तो फिर समरी भिजवाई जाए, वजीर आला पंजाब का हुक्म। ट्रेनी ASIs के लिए खुशखबरी, लाहौर पुलिस के 148 ट्रेनी ASIs को मुस्तकिल कर दिया गया। CCPO लाहौर BA नासिर ने मुस्तकिली का नोटिफिकेशन जारी किया, तमाम एहलकार अपनी यूनिफॉर्म पर ASI का बैज लगाएंगे। इंतजामिया मानीन, हड़ताली डॉक्टर ने हरधर्मी से बाज आए, यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल का दायरा एकार वसी कर दिया, आज डॉक्टर्स का फिर इलाज की बजाय हड़ताल और धरने का ऐलान। वासा मुलाजमीन के लिए हुकूक की आवाज, नए साल में कौन बुलंद करेगा, वासा यूनियन का रेफरेंडम आज आउट फॉर रोड वासा ऑफिस में होगा, फुल यूनियन और शेयर यूनियन में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MBBS थर्ड प्रोफेशनल के नतज का ऐलान कर दिया। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान की माहा जैनब ने 892 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की, लाहौर की हीरा अमीन ने दूसरी पोजीशन अपने नाम कर ली। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरा है जनूबी अफ्रीका, क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि जनूबी अफ्रीका मुश्किल दौरा लगता है, उम्मीद है कि हमारी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बेहतर परफॉर्म करेगी, और इमरान नजीर कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को एतमाद देने की जरूरत है। और बेबसी और जबर की कहानी, फनपारों की जुबानी, अलहमरा में सुमैट के नाम से नुमाइश का इनाकाद किया गया, जिंदगी के मुख्य पहलुओं की अकासी करती नुमाइश में लोगों की दिलचस्पी।